नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी विनोद दास है, मैं कैथल से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं जी 2014 में ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? भक्ति साधना ऐसा करता था जी, मैं बचपन में हनुमान जी का भगत था। पहले मिट्टी की मूर्ति बना के उसकी दीवार में अलमारी में चिपका के संदूर वगैरह ऐसा करा करता था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता रहा भक्ति में लीन होता रहा, मैं फिर दूर दूर जाने लग गया, तीर्थ यात्रा करने लगा। कभी मथुरा जी जाता था, कभी गोवर्धन पर्वत पे इधर यात्रा करने जाता था, इधर मेहंदीपुर बालाजी जाया करता था, इधर खाटू श्याम जाया करता था, इधर मैंने 8-9 देवी हिमाचल में वैष्णो देवी कांगड़ा जी ज्वाला जी चिंतपूर्णी गुरु गोरखनाथ जी मनसा देवी इधर मैंने बहुत यात्रा करी। यात्रा करते करते मैं फिर गुरुद्वारों में भी जाने लग गया। जैसे जैसे बड़ा होता रहा गुरुद्वारे के बाद मैं ईसाइयों के यहाँ गिरजाघरों में भी जाया करता था, उनका भी प्रचार सुनता था। ऐसे फिर मैं पीर पैगंबरों पे भी जाने लग गया। जैसे जैसे बड़ा होता रहा, शुरू में तो मेरे काम धंधे ठीक थे, बाद में काम धंधे मेरे जवाब देने लग गए। ऐसे जाते जाते मेरे को फिर बहुत उम्र होगी और काम धंधा कहीं बना नहीं, पहले से मेरे को फिर हानियाँ होने लग गई जी मेरे शरीर में। अब मैं देखता जहाँ भी मत्था टेकता, कभी जाता तीर्थ स्नान पे, तो मैं सोचता भी मेरी बीमारी तो शरीर की बढ़ने लग रही है, मेरे शरीर के जोड़ दर्द ऐसे, ये जो अंग हैं ये अलग अलग हो गए, ऐसे हिलने लग गए थे जगह जगह, मेरे पैर भी दुखने लग गए थे। जब ज़मीन पे पैर रखते तो ऐसे पैर कच्चे हो चुके थे, तो ऐसे लिगड़ती, हाय इधर से दुख रहा उधर से दुख रहा। ऐसे जाते जाते फिर मैं अपने परिवार को भी ले जाता जी, रात को दिन को परिवार को ले जाता। अब सारे दुखी होने लग गए, भाई ये क्या धंधा, काम धंधे भी छूट गए और कहीं भी कोई लाभ नहीं होया। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? एक दिन क्या होया, मैं काम धंधे से आया, आके हमने टेलीविजन चलाया और रोटी खाने बैठ गया, तो गुरुजी महाराज संत रामपाल जी ये बता रहे उस वक्त कि ब्रह्मा विष्णु शिव इनकी भी मृत्यु होती है, इनके भी माता पिता। हमने कभी ऐसा ज्ञान सुना नहीं भी ब्रह्मा विष्णु जी शिव की भी मृत्यु होती है, इनका भी जन्म। फिर उस वक्त मेरे को यहाँ चोट लगी भी इस सत्संग में इस गुरु जी के में कोई ऐसी खास बात है। फिर अगले दिन फिर वो थोड़ा सा देख पाया था मैं, कोई 10-15 मिनट का। अगले दिन फिर हमने चलाया तो फिर गुरुजी का वो कड़ी जो रह गई थी वो आई। उस दिन के बाद जी हम फिर गुरुजी का सत्संग हमने 1.5-2 महीने ऐसे देखा, गुरुजी का ज्ञान आ गया भी, संत रामपाल जी का भाई पूर्ण परमात्मा तो ये आ गए, और हम टेलीविजन पे गुरुओं की जांच कर रहे हैं भी कौन सा गुरु अच्छा है, किसका ज्ञान अच्छा है। तो जब परमात्मा का हमारे को ज्ञान होया, संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा आ चुके, और कई हमने ऐसे सत्संग देखे जिनमें मुर्दों को जीवित परमात्मा करते हैं, और ऐसी ऐसी बीमारियां जो जिनका इलाज अस्पताल में कहीं भी नहीं, वो परमात्मा से संत रामपाल जी से नाम लेके ठीक होने लग गए हैं। तो फिर एक दिन हम गुरु जी की शरण में चले गए, संत रामपाल जी की शरण में। ऐसे पूछते हो भाई कहाँ है ये बरवाड़ा, हमको ये भी नहीं पता था भी बरवाड़ा है कौन सी दिशा में कहाँ है। पूछते हो हम चले गए वहाँ, जाके गुरु जी के भक्तों से मिले, वहाँ नामदान लिया माथा टेका, और वो दिन है आज का दिन है, अब हम परमात्मा से जुड़े हुए हैं। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी सर जी, मारे को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हुआ। आपने ये बहुत अच्छी बात पूछी कि जब मैं तीर्थ स्नान करने जाया करता था, यात्रा करते करते मेरा शरीर डैमेज हो गया, मेरे अंग जो थे वो हिलने लग गए थे, ज़मीन पे पैर रखना दुर्बल हो गया था, काम धंधा तो काम बने था, हम कंडम हो चुके थे, सारे परिवार में कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार, मेरे ये पैर ज़मीन में रखे नहीं जाते थे, कंकर बहुत ज़्यादा चुभते थे, कच्चे हो गए थे।
तो हम जब गुरु जी से जुड़े, हमने गुरु जी का जल प्रसाद लिया और जो घर में संत रामपाल जी का ज्योत जगाई मालिक की, फिर मारे ये शरीर के अंग ठीक होने लग गए। एक मेरे शरीर में इधर बहुत बड़ी रसोली थी, तो मैं गरीब आदमी, तो जब मैं शीशे में देखा, मैं गंजा हो गया, मैंने शीशे में देखा अब ये तो बहुत बड़ी रसोली है, तो मैं अगर अपनी औरत को बताऊंगा तो वो तो इस बात का बहुत वो करेगी, कहीं वो मर ही ना जावे, हमारे पास पैसे भी नहीं, तो भी डॉक्टर लोग तो ये कह देंगे ऑपरेशन हो गया, हमें 2 लाख लगे, 3 लगे, 2.5 लाख, कितना इतने का ही मेरा मकान, भी मकान बिक जाएगा और मेरी ये रसोली का ऑपरेशन कर देंगे, काट देंगे, बाद में गारंटी देते नहीं डॉक्टर लोग, जिंदा रहूं के मरूं। फिर हमने, मैंने बताया नहीं इस डर से भी मेरे साथ ये घटना हो चुकी है, परिवार में मादम छा जाएगा, मैंने कभी जिक्र नहीं करा अपने बच्चों से और उससे भी, मैं एक ऐसी बीमारी का शिकार हो चुका हूँ जो मेरा बचना मुश्किल है। फिर मैं परमात्मा से जुड़ गया था, मैंने घर में ज्योत जगाई मालिक की, ज्योत जगाने के बाद में मेरे घर से, जैसे मैं आधी रात को पेशाब करने उठ जाया करता था, तो जब कुछ ही दिन हुए थे मालिक से, जैसे 15-20 दिन हुए, तो मेरे को क्या दिखा, मेरे घर से काले काले परछाइयाँ जाने लग रही हैं, घर से निकल के कोई काले काले मनुष्य जैसा, कोई भूत प्रेत होते, कोई शैतानी आत्मा होती, तो वो घर से जाने लग रहे हैं दबा दब। जैसे मैं ज्योत जगा दिया करता, मैं बहुत सारा घी डालता था, ज्योत का मेरे को बड़ा शौक था। फिर जब हम गुरु जी का जो पहला मंत्र दिया, गुरु जी का जाप करने लगे, फिर मेरे को दूसरा सतनाम मिला, ऐसे हम जाप करने लगे, आज देख लो मेरे सिर में कोई रसोली नहीं, आज भी वो रसोली का निशान रह गया है, बिना ऑपरेशन के मैं आज ठीक ठाक हूँ। मैंने कभी गोली 1 रुपये की भी नहीं ली इस रसोली के उसमें, जबकि मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन होना था। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज मैं ठीक हूँ, वो धरती पे पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। तो एक दिन जैसे वो कांड होया, उस समय मैं वहीं पे था गुरुजी पे, तो फिर हम बाहर आ गए, बाहर आने के बाद में हम घबरा गए, घबराने के बाद में हमने भक्ति भुक्ति छोड़ दी, भी ये तो भाई कोई पैदा नहीं ऐसा, हम तो भगत आदमी हैं, परमात्मा के दर्शन करने वाले हैं, यहाँ तो ये कोई ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये तो भाई बहुत बुरी बात है। तो मैं वहाँ घर आके हमने छोड़ छाड़ दिया, फिर वहाँ बीमार होने लग गया जी, मैं मेरा नाम खंड हो गया, मैं बीमार होने लग गया। तो फिर एक दिन दोपहर के 2 बजे और 3 बजे का समय था, 2 से 3 बजे का समय जो था, उस वक़्त मैं सोया पड़ा, गुरुजी आए, मेरा एक तरफ लोहे का पलंग है और इधर मैं बीमार पड़ा हूँ, और इधर गुरुजी एक पलंग पे आके बैठ गए। मैं उठा अकेला, मेरे बच्चे बाहर थे, मैं उठा, मैं कहा है गुरुजी आप, तो मैंने ऐसे उठ के, मालिक पहले ये बताओ मेरे को भाई आप क्या खाओगे, आप क्या खाओगे, कोई बहुत बढ़िया फल ले आता हूँ मैं, या कोई बहुत बढ़िया मिठाई ले आऊँ, बहुत बढ़िया सब्जी ले आऊँ, मालिक आप जेल से आयो और मैं बहुत अच्छा खाना दाना बनवाता हूँ, अभी आप क्या खाओगे। गुरुजी बोले भाई बेटा मैंने कुछ नहीं खाना, मैं तेरे पास थोड़ी सी देर के लिए आया हूँ तेरे को दर्शन देने। माँ गुरु जी आप ये बताओ ऐसा ये क्या हो गया, कल तक तो हम ऐसे भक्त लोग एक दूसरे को बोलते भगत जी सत साहेब, भगत जी सत साहेब, जगह जगह हंसते रहते थे, आज छुपे रहते हैं संसार में, ये लोग मारे को गालियाँ देते हैं, देखा तुम्हारा गुरुजी भी जेल में पड़ा ऐसे करते। मैं कहा गुरुजी ये क्या हो गया ऐसा अचानक। फिर गुरुजी बोले कह बेटा ये पहले से लिखे हुए लेख हैं, तने पुस्तक नहीं पढ़ी। मैं कहा जी पढ़ता तो हूँ। कह बेटा इनको समझ, ये पहले से लिखे हुए लेख हैं, बहुत पहले, हजारों वर्ष पहले वाणियाँ कही गई हैं, पहले से लिखे हुए लेख हैं, आज की बात थोड़ी है। जब ये लेख सिद्ध होंगे आज इस भगत के ऊपर, अपने आप को मालिक भगत बता रहे हैं, दास बता रहे हैं, कह रहे हैं तभी तो परमात्मा सिद्ध होंगे। मैं हाँ मालिक ये बात तो सही है, और जो कुछ भी हो रहा है दाता वो तो पहले से लिखा हुआ, मैंने तो बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी हुई हैं, मैंने ये भी एक पुस्तक में पढ़ा था कि जब गुरु जी जेल जाएंगे तो आश्रम के बाहर जो सड़क है वो बहुत बड़े बड़े रोड कर दिए जाएंगे। मैं गुरु जी ये किस लिए कर दिए जाएंगे,
क्या बेटा फिर नहीं समझा मखाना? बोले बेटा जब भक्त अरबों के तादाद में करोड़ों के झुंड आएंगे, फिर उनको रास्ता चाहिए, उनकी गाड़ियों को, उनके बैठने के साधन भी चाहिए। मैं कहा हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। कह बेटा ये भी तो पहले से लिखे हुए लेख हैं। मैं कहा ये तो बहुत सही है गुरुजी, आप बिल्कुल सही बता रहे हो, मैंने तो ये पुस्तक एक पढ़ी है भी, जब गुरुजी जेल यात्रा में जाएंगे जेल धाम में, फिर उन जो आश्रम के बाहर रोड है वो चौड़ा कर दिया जाएगा चारों दिशाएँ से जब भगत आया करेंगे। उस वक्त गुरुजी फिर ये कह के एकदम तुरंत आलोप हो गए। फिर ऐसे करके मैं फिर थोड़ा थोड़ा ठीक होने लग गया। फिर मेरे जाते हुए गुरुजी यहाँ ऐसे आशीर्वाद दे गए, मैंने अपने चरण गुरुजी के वहाँ रख दिए। मगर मालिक मेर करना, मेरे से बहुत बड़ी गलतियाँ हो गई हैं मालिक, आप क्षमा करना। गुरुजी ऐसे हाथ फेर के और वहाँ से गायब हो गए। फिर एक दिन की बात है जी, मैं बचपन से तीर्थ यात्रा करा करता था। यात्रा करते करते मेरे को एक जोत नज़र आया करने लगी। जोत मैं सोचता था भी ये जोत देसी घी की जोत है, इतनी लंबी खाली जोत जोत नज़र आती, नीचे का वो नहीं नज़र आता जो जिसमें लगाते हैं दीवा, ज्योति नीचे की नहीं नज़र आती ऊपर की। तो मैं कहीं पता नहीं कहाँ देखी है। ऐसे यात्रा करते करते फिर मेरे को कई साल हो गए, फिर मेरे को एक नदी दिखने लगी, नदी पानी की। मैनू सोचता भाई मैं जाता हूँ तीर्थ यात्रा करने जगह जगह, और कोई ऐसा कोई होगी कहीं ना कहीं जरूर नज़र आ जाएगी। अब की नहीं कोई होगी, पिछले जन्म की होगी जो अब की जोत नहीं नज़र आ रही, क्या पता अब के जन्म के, क्या पता पिछले जन्म के। ऐसे करते करते जी मेरे को फिर वो बहुत कुछ साफ जोत ऐसे नज़र आने लगी। जोत नज़र आती, पानी नज़र आता, नदी नज़र आती। एक दिन गुरुजी फिर मेरे को दिखे मेरे घर। मैं ऐसे कहता गुरुजी रात को सोता मेरे को नींद नहीं आती। गुरुजी कहते हैं 64 लाख भक्तों में से आपका जन्म है, तभी तो आपने परमात्मा बिना भक्ति के मिल गए। आप इस परमात्मा के पूर्ण कबीर साहब के पहले जन्मों में आप 64 लाख भक्त हैं। बरवाला के रजिस्टर में यहाँ सतलोक आश्रम में उन भक्तों का पहले से बुलाकर मालिक ने नाम भरा है, रजिस्टरों में लिखा है, जो पिछले जन्म के 64 लाख भगत थे उनको मालिक ने पहले बुलाया है, बुलाया, उनके कर्म बने। फिर मैं ऐसे रात को सोचता रहता ऐसा कैसे होगा, 64 लाख भक्तों में तो वो तो बहुत अच्छे भक्त होंगे, उनकी भक्ति बहुत अच्छी होगी, उनके दर्शन भी बहुत अच्छे होंगे जो ऐसे मालिक के पिछले जन्म से और अब जन्म लेते आए मनुष्य का, और फिर परमात्मा ने उनको खींच लिया। फिर एक दिन गुरुजी रात को मेरे को फिर नज़र आए, तो गुरुजी ने मेरे को पिछले जन्म की जब काशी जी के अंदर परमात्मा 620 बरस के लगभग कबीर साहेब अपने ओरिजिनल रूप में परमात्मा आए हुए थे, तो उस वक्त परमात्मा से मैं कभी नाम लिया था मालिक से उस समय में, तब परमात्मा को राजा के सैनिक ऐसे पकड़ के ले गए, और जो राजा की पुलिस है वो भक्तों को पकड़ती फिरती है, ढूंढती फिरती है, अभी कहाँ गए भगत कहाँ गए, वो भी तो उसके साथ थे। तो मैं ऐसे लुका फिरता हूँ भाई हमारे गुरुजी को तो राजा के सैनिक पकड़ के ले गए, और भाई मैं अब कहाँ जाऊँ, घर जाऊँगा तो पुलिस आवेगी, तो जंगलों में छुप जाता हूँ। ऐसे मैं जंगलों में जाते जाते कांटे झाड़ ऐसे ये छिल गए मेरे हाथ पैर, मैं जाता रहा जंगलों में, तो मेरे को एक वहाँ पे कमरा नज़र आया पत्थर की दीवारों का, उसके ऊपर छत नहीं थी। तो मैंने सोचा रात तो मैं यहाँ काट लेता हूँ, रात यहाँ काट लेता हूँ, कल को देखेंगे कहाँ चलेंगे, कहीं और निकल जाऊँगा। फिर मैं परमात्मा की कृपा से मैं वहाँ कमरे के अंदर चला गया, वहाँ पर 4 भगत और बैठे। जैसे ही मैं अंदर बढ़ा तो वहाँ पे 4 भगत और बैठे। मैंने क्या मैं, वो मेरे को देखते हुए बोले भगत जी सत साहेब। मैं कहा सत साहेब, ओहो ये अब तो मैं पकड़ लिया, ये मेरे को पहले ही पकड़ने वास्ते बैठे हैं। तो वो बोले भगत जी हम भी भगत हैं, आप मारे को मरवाओगे। मैं कहा ऐसा क्यों भाई, मैं क्यों मरवाऊँगा, आप कौन है? कह रहे हम भी भगत हैं भगत जी सत साहेब। मैं कहा सत साहेब भगत जी आप कौन है? कह रहे हम भी भगत हैं, छुपे हुए बैठे हैं। मगाँ मैं भी छुपने के लिए आया हूँ। कहे भगत जी अपने गले में जो गुरु जी का दे रखा है लोकेट, एक ऐसा ऐसा पहले भी कोई गुरु जी दिया करते थे, ऐसा ध्यान नहीं आ रहा,
कोई मणका था क्या था, डालते थे उस वक्त भी गुरु जी से नाम दान लेके। फिर मेरे को बोले कि भगत जी इसको अंदर कर लो, हमारे को पकड़वाओगे। मैंने उसको ऐसे अंदर कर लिया। तो उस वक्त मैंने धोती बांधता था मैं उस ज़माने में, बहुत लंबा चौड़ा था मैं उस वक्त, गोरा चिट्टा। मैंने धोती बांधी हुई और कुर्ता पहना हुआ। तो फिर मैं वहाँ से चला गया अपने घर की ओर, घर की ओर चला गया। तो वहाँ पे मैंने पूछा अभी मेरे बच्चे कहाँ हैं पड़ोस में, वो बोले जंगल में गए होंगे। मैं कहा हाँ आ जाएंगे, चलो मैं घर पे सोता। फिर मैं ऊपर ली मंजिल पे गया, पहाड़ी पे एक मेरा मकान है, मैं पीछे से पैड़ी पे चढ़ के ऊपर गया। वहाँ पे मेरा एक साल का मंजा बिछा हुआ है और एक गड़ा पानी का रखा है। मेरे लकड़ी के दो खड़ाऊँ पैरों के तरफ, पैंदियों के तरफ रखे हुए हैं। फिर मैं उधर सो गया। सोने के बाद में फिर मैं कहा चलो आगे होंगे घर के। फिर मैं बहुत जल्दी सवेरे उठ गया, बेचैनी हो रही थी भी राजा के सैनिक भक्तों को पकड़ते फिरते हैं। चलो मैं अंधेरे अंधेरे एक मंदिर में चक्कर लगा के आता हूँ जहाँ पे मेरा स्थान है। फिर मैं मेरे को वो कांसी जी में जो पानी दिखता था, कांसी जी में कांसी जी के किसी घाट पे, वहाँ बुर्ज भी हैं, वहाँ स्नान करते हैं पैड़ियों पे, वहाँ एक शिव जी का मंदिर है वहाँ बना है, मेरे को नज़र आ रहा है ऐसे जैसे आज की बात हो। और इधर एक मंदिर बना हुआ, फिर मैंने वो पूजा पाठ तो छोड़ दी थी। इधर में एक वहाँ मंजा और पड़ा हुआ है वहीं पे मंदिर के बाहर, फिर मैं उस पे जाके बैठ गया। बैठने के बाद में फिर मैंने सोचा चल तू घर चल, अब चांद ना होने लग रहा और भगत भी आने लग गए पुजारी के, तैने तो ये छोड़ दिया। परिवार वाले मेरे से नाराज थे उस वक्त, भाई तू तो रोटी क्या खाएंगे जब तुम ये धंधा छोड़ दोगे, भगत जी तुम ये धंधा छोड़ दिया तुम हम रोटी क्या खाएंगे। तो जैसे कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं वो तो थे ही हमारे परिवार के, तो मैंने तो छोड़ दी थी वो पूजा पाठ। फिर मैं ऐसा करके अपने घर चला गया। घर जाने के बाद में मैं वहाँ सोया। सोने के बाद में जब उठा अपने घर पे, जब मैं वहाँ मालिक ने दिखा दिया मेरे को, कभी करीब आधा घंटा मेरे को ये सीन मालिक चलाते रहे। मेरे को बहुत कुछ याद आ जाता जब मैं उस बात को याद करता हूँ। तो फिर मैं अपने घर वहाँ जाके सो गया। वहाँ से सोने के बाद में फिर मैं अपने घर पे उठा हूँ। जब घर पे उठा हूँ तो मैंने अपने पैर ऐसे झाड़े जैसे मिट्टी में धस रहे हैं, कांटे लग रहे हैं, ऐसे ऐसे मैंने करा। तो फिर मेरे को ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं झाड़ियों में से निकल गया, अभी भी मेरे हाथ पैर छीले हुए से हैं। मालिक ने मेरा ऐसे करके पिछला जन्म दिखाया। जब मैं बैठता था तो मेरे सिर के बाल ये लटा थी मेरी यहाँ तक, जब मैं ज़मीन पे बैठता था ऐसे मेरी लटा थी, चौंकड़ी मार के बैठता था मैं, हाथ जोड़ के ऐसे परमात्मा की भक्ति करा करता था। और मेरी ये सफ़ेद दाढ़ी थी, ऐसे ये दाढ़ी थी, बड़े बड़े मूँछ थे सफ़ेद बाल के, आँखों के भी ये मोटे मोटे सफ़ेद बाल ऐसे ऐसे थे। तो मैं एक ऋषि था, धोती और कुर्ता बांधता था ऐसे, वो मेरे को मालिक ने दिखाया। तो एक बार की बात है जी, मैं तीर्थ यात्रा करते करते बहुत दुखी हो गया। मेरे जो मैं कपास की मशीनों का मिस्त्री भी था, तो मैं बहुत दुखी हो गया। ऐसा रात और दिन तीर्थ यात्रा करता था। पहले तो मेरे काम बहुत अच्छे थे, उसके बाद में काम धंधे खत्म होने लग गए। जितना मैं तीर्थ यात्रा पूजा पाठ की तरफ जाता रहता, लाले भी कहते सेठ लोग भाई मिस्त्री तो बहुत भगत आदमी है। ऐसे जाते जाते मेरे पास इतनी गरीबी आ गई, खाने को दाने नहीं और चाय पीने को कुछ पैसे भी नहीं, ना घर में चाय पत्ती। तो मैं क्या करता था जी, इतनी गरीबी आ गई तीर्थ यात्रा नहीं छोड़ा करता था मैं, बिना मीठे के बिना दूध के। मेरी लड़की वो कहती पापा चाय, मैं कहा बेटे देख ना तो पैसे, अगर आज उधार ले लेंगे फिर कल को देने पड़ेंगे, कल नहीं हफ्ते 10 दिन बाद फिर मांगेगा देने पड़ेंगे, तू ऐसा कर बेटे चाय की पत्ती उबाल कर वही पी लेंगे ठंडी करके। तो ऐसे करके हम चाय बिना मीठा बिना दूध के पत्ती के हम चाय पिया करते थे। मैं देवताओं के तीर्थ स्नान करने जाता था, मेरे को वहाँ ना कोई पैसे की लाभ होया और ना ही कोई मेरा काम धंधा बना, बल्कि जिनसे मैंने पैसे टके लेने थे वो भी मेरे पैसे टके मार गए। मेरे को नुकसान के अलावा और कुछ नहीं होया। अब मैं परमात्मा से जुड़ा हूँ तो मेरे बच्चे भी काम धंधा करने लग गए हैं, थोड़ा बहुत मेरा भी काम धंधे की स्थिति ठीक हो गई है।
ऐसे करके आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ, अपने परिवार को ठीक ठाक से चला रहा हूँ। मैं जी संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा की नाम लेने के बाद में उनकी कृपा से आज मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, ना मेरे को कोई रोग है ना कोई बीमारी है और घर का भी पालन पोषण ठीक ठाक से चल रहा है। अब पिछले साल हमने एक प्रार्थना लगाई थी, मेरे पास एक कमरा था, गुरुजी की प्रार्थना लगाई, मेरे पास 1,00,000 रुपया इकट्ठा हो गया, बच्चों का कुछ इधर उधर से आ गया, जो मेरे को कोई 100 रुपया भी उधारा नहीं देता। ऐसे करके गुरुजी की प्रार्थना लगाई, वहाँ से बोला गुरुजी का नाम लेके, और गुरुजी की कृपा से आज एक कमरा बहुत शानदार बन चुका है। ऐसे कई बार मेरे को गुरुजी दिखते रहते हैं। और लाभ जी ऐसा है, एक मेरा लड़का है वो मंजी पे पड़ा था, मंजी पे पड़ा रहता था, अब डॉक्टरों को दिखाते, डॉक्टरों के बड़े बड़े अस्पताल में चक्कर मारने पड़ते हैं, मिलता जाता कुछ नहीं, गोलियां कुछ दे देते हैं और बीमारी कोई है दवाई कोई, अब खाए गए बच्चा मेरा मंजे पे पड़ चुका था, मोहल्ले में सबको पता, उसकी पागलों जैसी हरकत हो गई थी, शरीर हो गया था और डैमेज हो गया था, सारे अंग शरीर दुख गए थे, क्योंकि मैं परिवार को खींचता था भाई चलो भाई तीर्थ यात्रा करते हैं, आज गोगा जी जाएंगे, आज रामदेवरा जाएंगे, है जी आज मेहंदीपुर बालाजी खाटू श्याम इधर में जाता रहता था। तो एक बार मैं गंगा सागर कलकत्ता भी चला गया तीर्थ यात्रा करते करते, ऐसा मेरे को कोई पैर में चक्री बंदी हुई थी, मैं नेपाल से शुरू हुआ वैष्णो देवी और इधर गुरुद्वारे सरदारों के मैं जाता, बड़ा पहले घूमता फिरता था, मैं चला गया जी गंगा सागर, बोलो परले कोने से हिंदुस्तान के उधर चला गया, अब मेरे को लाभ होया नहीं, मैं क्या करता, दुखी था पहले, और जब परमात्मा से मैं जुड़ा, उनसे भक्ति ली, मैंने बच्चों को नामदान दवाया, आज मेरा बच्चा जो मंजे पे पड़ा था, आज मेरा लड़का करीब 24-25 साल का है और वो मंजे पे पड़ा रहता था, चलना फिरना मोहताज, उसकी याददाश्त भी ख़त्म हो चुकी थी, बिल्कुल बावड़ा सा हो चुका था, अंग दुखते थे, ये गोड्डे के जोड़ ढकने अलग हो चुके थे, ऐसे ऐसे एक बार दिखाने लगा तो दोनों जोड़ ऐसे ऊपर की जो ढक्कन होते हैं गोड्डे के, वह ऐसे ऐसे हिला रहा वो जो मालिश करने वाला, वो कह रहा है ये तो ढक्कन तो इसके अलग हो रहे हैं, ये क्या हो गया भाई, वहाँ भी ऐसा कुछ खाया भी नहीं, कुछ करा भी नहीं, वो दवाएँ ले लेते हैं, कह भी तेल ताल मलस दे रो, देख मेरे बस का तो है नहीं, कोई डॉक्टरों को दिखाओ। फिर हम कुछ दिन बाद गुरुजी से नाम लिया, मेरा बच्चा ठीक हो, गुरुजी से मन ने प्रार्थना लगाई, गुरुजी से एक बार नाम दिलवाया, नाम दिलवाने के बाद में मेरे लड़के के यहाँ एक काला सा इतना बड़ा कोई चीज़ निकली, उसके ऊपर बाल शरीर के अंदर से ऐसे निकले, संत रामपाल जी के वहाँ लेके गया जी, वो पूर्ण परमात्मा धरती पे आए हैं, तो मैं लाइन में लगा के ले गया, गुरुजी ऐसे आशीर्वाद देते हैं सबके ऊपर, ऐसे बेटा भक्ति करना, ऐसे चलते रहते हैं हम, ऐसे सिर कर लेते हैं, तो मेरे बच्चे के सिर पर गुरुजी ने हाथ रखा, मैं गुरुजी मेरी प्रार्थना, बोले वहीं रुक गए, कोई बोलो भगत जी, तो मैं कहा मालिक ऐसा है अभी हम नाम लेके गए हैं, कोई 15-20 दिन हुए हैं और इसके शरीर में से ये यहाँ से ये निकल गया, और मेरे बच्चे कहते हैं भाई ये तो पागल हो गया, मगर बेटा अगर ये पागल हो गया बच्चा तो मैं तो मकान बेच दूँगा, फिर मैं अस्पताल में पैसे लगा दूँगा किराए पे फिरना, तो मैं कहा गुरु जी ये यहाँ ये निकल गया, गुरु जी ने कहा दिखाओ कहाँ है, मैंने पहले ही पैंट नीचे कर रखी थी, कमीज ऊपर कर दी, मैं कहा गुरु जी यहाँ ये इतना बड़ा निकल गया, और ऐसे गुरु जी ने हाथ फेरा, ऐसे करके हाथ फेरा, कह जाओ बेटा ठीक हो जाएगा, सिर पर हाथ फेरा, बोले भक्ति करिए बेटा जा ठीक हो जाएगा। हम आश्रम से बाहर आए हैं, वो मैं देखता हूँ कहाँ गया, मैं कहा दिखाइए बेटा, वो देखा तो वो सिर्फ एक काला सा निशान रह गया, वो तो अंदर ही चला गया, जो भी सौदा था, जिसको देखते मेरे शरीर के बाल खड़े हो जाते, आज भी याद करता हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, यहाँ एक विचारणीय विषय ये है हमारे दर्शकों में कि आपने बताया कि आपने चारों धाम की यात्रा गई, आपने इतने तीर्थ किए कि बताना भी बहुत यहाँ मुश्किल हो जाएगा, मैं सारे दिन में बता नहीं सकता। आपको और आपके बच्चों को और आपकी पत्नी को इतने तीर्थ किए कि आप लोगों का शरीर भी खराब हो गया तीर्थ करते करते, लेकिन उन सारे तीर्थों करके आपको लाभ नहीं मिला, लेकिन आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो यहाँ विचारणीय विषय ये है कि इतने सारे तीर्थ करने के बाद भी वहाँ आपको लाभ नहीं मिलता है और फिर आप लोग संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते हैं उनको लाभ मिल जाता है, इसके पीछे क्या कारण है? लाभ जी जो गुरु जी हमारे को मंत्र देते हैं,
संत रामपाल जी जो आपको मंत्र देते हैं, भक्ति देते हैं, वेद शास्त्रों के अनुसार जो वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है मंत्र, उनको जाप करने से हमारे को लाभ होते हैं। और ये संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का अवतार आ चुके हैं। ऐसा आप सब संत महात्माओं से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप भी इनका सत्संग देखें संत रामपाल जी का, उनके मंत्र जाप करने से तब आपको लाभ मिलेगा। हाँ, बीमारियां दूर होंगी, आपकी उम्र भी बढ़ेगी। जैसे मेरी बीमारी खत्म होगी, मैंने कोई दवाई नहीं ली, आज मेरी ये रसोली बिल्कुल ठीक है और मैं काम धंधा करता हूँ, ये देखो बिल्कुल सब सही है मेरा, संत रामपाल जी की कृपा से ये पूर्ण परमात्मा आया है। सर, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? कोई भी भक्त आत्मा या कोई संत ऋषि गुरु कोई भी जुड़ना जाता है, सबसे पहले आपको टेलीविजन पे संत रामपाल जी का सत्संग सुनना जरूरी है। जब आपको ज्ञान होगा तब आप परमात्मा से नाम ले लें। ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब आए हुए हैं संत रामपाल जी के चोले में। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।